यात्रु महानुभावहरूले पनि निम्नानुसार निर्देशन पालना गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। उडान अवधिभरि जहाजमा हिटो नगर्नु हुन स्टार्ट गर्ने कि कोसिस हामीले काठमाडौँ चाहिँ गर रखी है। कल से जो बारिश हुई है यहाँ लगातार, उससे हालत जो खराब हो रही है आप सोच भी नहीं सकते। बैग की बीच की हालत खराब है, छाता लेके हम खड़े हैं वेटिंग फॉर द बस। बहुत बुरी हालत। यात्रु महानुभावहरूले पनि निम्नानुसार निर्देशन पालना गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। उडान अवधिभरि जहाजमा हिटो नगर्नु हुन, मास्क तथा फेस सिल्ड बारिश यहाँ भी हो रही है। काठमांडू में तो हो ही रहा था, यहाँ भी हो रही है। देखिए बस कब तक आता है। बस आए तो फिर तौलीमा जाए, फिर तौलीमा से फिर पकड़ेंगे टेम्पो, देन विल गो टू खुनवा, तब फिर कहीं मामा के घर पहुँच पाएंगे। लेट्स सी क्या होता है। डिस्क्राइब कर देती हूँ, बाद में मौका मिलेगा तो ज़रूर उसका वीडियो बना के मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी फुल ऑन कि कैसे मैं आई थी। तो भैरवा से मैंने बस पकड़ा था जैसा कि आपको दिखाया था, उसके बाद मैं गई अपनी दादी के घर, वहाँ से फिर खुनवा गई थी, उसके बाद से फिर मामा के घर सोरतगढ़ गई, फिर वहाँ रुका, खाना वाना खाया, सोया, रात भर वहीं पर थी। फिर सुबह 5 बजे की ट्रेन थी मेरी, 5 बजे ट्रेन पकड़ा, उसके बाद से फिर मैं आ गई लखनऊ अराउंड 11:30 अराउंड मैं लखनऊ आ गई थी। एंड हॉस्टल पहुँची मैं 12:30 के अराउंड, देन आया, नहाया धोया और हॉस्टल में रूम अलॉट वगैरह अभी तक नहीं हुआ मेरा। तो वो जो पहले का रूम था उसी में रह रही हूँ, बाद में अलॉटमेंट होगी फिर अलग से जब पेमेंट वगैरह हो जाएगा तब। तो फिर सॉरी कि मैं नहीं डाल पाई वो वीडियो, बट अगला वीडियो ज़रूर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के बारे में होगा, गर्ल्स हॉस्टल एंड आल्सो यू माई रूम एज वेल, और पूरा हॉस्टल का टूर जरूर दूँगी अच्छे से। सो स्टे ट्यून्ड एंड लाइक शेयर एंड कमेंट टू माई यूट्यूब चैनल।